नमस्कार, स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुकेश पटेल। रेड अलर्ट न्यूज के माध्यम से एक बार फिर आपके लिए हम लेके आए एक विशेष खबर। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार ही रेड अलर्ट न्यूज पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार आपके सामने उजागर कर रहे हैं। जी हां, जैसे कि हमने पूर्व में भी बेलखेड़ी पंचायत हो, उमरपानी पंचायत हो, तो इनमें भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें चलाई हैं और प्रशासन ने कहीं हमारी खबरों पर संज्ञान लेते हुए सचिव जीआरएस जो भी जांच के दौरान दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई की है, रिकवरी भी निकाली है और कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां पर अधिक जो भी अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार था, उनको देखते हुए जीआरएस या सचिव की सेवाएं भी समाप्त की गई हैं। इसी क्रम में हमने आपको दिखाया था मुंगवानी, नरसिंहपुर जनपद में आने वाला मुंगवानी पंचायत। जी हाँ, मुंगवानी पंचायत में भी हमें जब वहां के ग्रामीणों ने बुलाया कि आप एक बार रेड अलर्ट न्यूज हमारे गांव में आए और देखिए कितनी अनियमितता है, तो बाकी में हम लोग ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और उसी को लेके हमारी टीम रेड अलर्ट टीम ग्राम मुंगवानी पहुंची थी, जहां पर सबसे पहले हमने ग्रामीणों की बाई थी। उन्होंने बताया कि यहां पर ये सड़क बन रही है, सड़क में लगातार अनियमितताएं हैं, वो भी कैसे कि यदि 8 इंच की सड़क पास है तो 4 इंच का वो सड़क बना रहे थे। उसकी हम लोगों ने खबर चलाई, ग्रामीणों का पक्ष रखा, ठेकेदार को बुला के ठेकेदार की बाइक ली। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो जब हमने जिला पंचायत सीओ साहब से इसके हमारी खबर जब चलाई थी तो उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया और तत्काल ही इसमें जांच कर टीम गठित की और टीम ने जाके वहां मौके पर जांच की तो वाकई में अनियमितताएं पाई गई हैं जिसकी जांच अभी चल रही है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे मुंगवानी पंचायत में केवल एक ही समस्या नहीं है, वहां आप गांधी हाउस की बात कर लें, ग्राम पंचायत भवन की बात कर लें, सड़क निर्माण की बात कर लें। आप यदि गांधी हाउस की बात करें तो लोगों का कहना है कि वो कांजी हाउस जो काफी समय से बना हुआ था वो टूट गया है और जिसकी नीलामी शासकीय रूप से होना था वह नीलामी ना होके उसका जो मटेरियल है कहां गया आज तक किसी को नहीं मालूम है। वही बात करें ग्राम पंचायत की प्रमुख सड़क की, जी हाँ, जो सड़क जाती है एनएस से ग्राम की ओर, तो वो एक साल में यानी लगभग महज 12 महीनों में 2 बार बन चुकी है और उसके बाद भी सड़क की जो हालत है आप पैदल चलने में भी आपको वहां से तकलीफ होगी। पूरा सीमेंट उखड़ चुका है, गिट्टी निकल रही है, पूरा आप एक वाहन निकल जाए तो धूल से पूरी सड़क बिछ जाती है। इसी क्रम में आप बात करें वहां की ग्राम पंचायत की भवन की, तो भवन में भी आप देखेंगे कि गांव की सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर है और आप ग्राम पंचायत भवन में पुट्टी और पॉलिश करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में खासा रोष है कि भाई आप ग्राम के विकास को अलग छोड़ के एक पंचायत में जहां आवश्यकता नहीं है पिछले वर्ष ही वहां पे पुट्टी का काम हुआ है और आप फिर से पुट्टी करा के पोताई करवा रहे हैं। तो मुंगवानी पंचायत की हमने सारी खबरें आपको दिखाई हैं। आज इस खबर के माध्यम से मुंगवानी पंचायत की और सारी खबरों पे हमने प्रकाश डाला है और जो भी वहां पे अनियमितताएं हैं हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का कि जो रेड अलर्ट न्यूज की खबरों पे संज्ञान लेता है, क्योंकि हमने खबरें चलाई थी और सीओ जिला पंचायत के भार्गवी द्वारा जो है तत्कालिक टीम गठित कर इसमें कार्रवाई की गई थी। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज।